तो राम राम सभी भाइयों को। जैसे कि भाइयों, मैं घर बैठा था और मेरे मम्मी पापा कालका जी मंदिर जा रहे थे, तो मैंने भी एकदम से फटाफट रेडी हुआ। मैंने सोचा मैं भी होया हूँ माँ के साथ, और कालका माँ के दर्शन करने का मजा ही कुछ और है। तो गाइज, हम निकल चुके हैं अभी घर से। ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये मेरे भाई हैं छोटे। तो हम अभी निकले हैं, कालका जी मंदिर जा रहे हैं। वहां जाके फिर आपको दिखाते हैं, मैया के दर्शन भी करके आएंगे। बोलो जय हो कालका मैया की। जय हो कालका मैया की। तो भाइयों, मैं जो है कालका जी मंदिर पहुंच चुका हूं। अब मैंने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है यहाँ पे। अब मैं मंदिर की तरफ चलता हूँ। इधर ये यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से चलते हैं मंदिर की तरफ। और गाड़ी लगा दी है, और भाइयों जैसे गाड़ी हमने अभी लगाई थी ना, तो एकदम से इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के दो जवान आ गए। वो कहने लगे जी आपका चलान कटेगा। हमने थोड़ा सा जो है ना एकदम मोड़ दिया बिना इंडिकेटर के, और एकदम से दो बाइक वाले गिर गए। जैसे ही मोड़ा ना वो गिर गए, और वहीं पुलिस वाले खड़े थे। तो वो एकदम से आके कहने लगे कि भैया आपने गलती से मोड़ दिया। तो मैंने कहा जी सॉरी यार। वो तो फिर उनसे थोड़ा सा जो है बातचीत करी, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो अब ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। ये देखो पहले पुराना जो मंदिर था वो ये है। ये माता का, कालका मैया का पहला था ये यहाँ से। और अब यहाँ से ये रास्ता है। तो भाइयों अब मैं जा रहा हूँ। ये यहाँ देखो कितने गरीब लोग हैं सब। ये देखो भाइयों, इसको कहते हैं गरीबी। यहाँ ही खाना, यहाँ ही लेटना। ये यहाँ खिलौने विलौने बेचते हैं ना, ये सब वही है। तो भाई ठीक है, मैं मंदिर जाके आगे वहाँ दिखाता हूँ आपको। ओके। तो ये भाइयों देखो प्रसाद दे रहे हैं। ये सब चारों तरफ भीड़ लगा ली इन्होंने, ये पन्नी लेके। प्रसाद ले लो अंकल, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। अब किसी एक से ही तो लेंगे या सब से लेंगे? ये मुंह के आगे आप लगाओ। ये देखो इनको, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, सारे एक साथ। किसी एक से ही तो लेंगे या सबसे लेंगे? किसी से मन से ले। देखो देखो भाइयों देखो, एक से ही लेना। मैया मेरे से ले लो ना, मैं बीच में आई थी तो बस हो गया। चित्र मेरी का मैया, मैं तो पहले आई। सपना चौधरी नाम है इसका। सपना चौधरी येरी येरी। अरे अच्छा जी, हां माता। तो भाइयों पहुंच गए हैं। अभी जो है गेट बंद है, सफाई चल रही है अंदर। और ये खुल गया है देखो, जैसे ही मैंने बोला ना गेट बंद है तो एकदम से खुल भी गया है। माता रानी चाहती है कि मेरे आए बच्चे मेरे दर्शन करें। तो भाइयों ये खुल गया है देखो। अब मैं अंदर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। ये है भाइयों मंदिर, कालका जी मंदिर। ये देखिए। ओहो क्या हाल है सेठ जी? और सुना बढ़िया? तो भाइयों मेरे दर्शन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अब भैरव के लिए जा रहा हूँ, भैरव मंदिर के लिए। यहाँ से आगे से यू टर्न लेकर फ्लाईओवर के नीचे से भैरव मंदिर के लिए। यहाँ का दर्शन हो चुका है। ये है मंदिर देखो। जय हो मेरी कालका मैया, सदा तेरी जय हो। जय हो मेरी मैया।
आजा आजा का मैया आजा। ये देखिए भाइयों, ये यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ भी दर्शन कर ले भैरव बाबा। जय हो भैरव बाबा। प्राचीन सरकटा भैरव मंदिर में श्री ओम प्रकाश भारद्वाज 200-500 का सब खुला है। ये भी बहुत पहुंची हुई माता है। अरे पहुंची हुई जो ऐसी झलकता है, भक्ति की शक्ति झलकती है। भक्ति की शक्ति, सही बात। जय हो महादेव बाबा, जय हो सबका भला करना बाबा। जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरी माता रानी, जय मैया। नवरात्रि भी आ रहे हैं भाइयों, जैसे कि जब भी आएंगे हम दर्शन करने, अब भी आज आ गए हैं। माता रानी के तो दर्शन कर लो, वैष्णो माता रानी। तो भाइयों, जैसा कि 15 से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं, आज 11 है, पहले दर्शन कर लिया, और जब भी करेंगे। जय हो मेरी माता वैष्णो देवी रानी, जय। चलो भाइयों, अब निकलते हैं, देखो दूसरे मंदिर भी जाना है अभी। और तो भाइयों, जैसा कि मैं यहाँ भी भैरव बाबा के दर्शन करके आ चुका हूँ अंदर, यहाँ वीडियो फोटो खींचना सख्त मना था। ये देखिए, यहाँ प्राचीन काल भैरव का मैं यहाँ पे मंदिर है, ये यहाँ पे होके अंदर आ चुके हैं, यहाँ फोटो खींचना मना है। और ये रोड है, ये देखो ट्रैफिक का टाइम हो चुका है। तो भाइयों, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। हो गए हैं दर्शन, बढ़िया दर्शन हो गए भैरव बाबा के और कालका मैया के। ओके भाइयों, सभी को राम राम। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड माय चैनल सन्नी अम्बावता ब्लॉग्स।